मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल सिंह मेडिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीलिया में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को जानकारी अधिक से अधिक मिल पाए। तो आइए चलते हैं हम वीडियो में आगे। हम बात करते हैं पीलिया के में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे देखिए सबसे पहले जानेंगे पीलिया किन कारणों से होती है। सबसे देखिए एक भाग दौड़ की जिंदगी में हर किसी न किसी कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो इसमें एक लीवर प्रॉब्लम होता है जो कि लीवर से होने वाली बीमारी है पीलिया। पीलिया में होता क्या चीज़ है, यह किन कारणों से होता है। सबसे पहले देखिए इसका जेनेटिक्स कारण होता है। जैसा कि हर बीमारियों में लगभग 1% से 2% तक सारी बीमारियां वंशागत होती हैं या जेनेटिक्स होती हैं। आमतौर पर पीलिया का होना कोई घबराने वाली बीमारी नहीं, लेकिन कभी कभी इसके लक्षण बता देते हैं कि कोई गंभीर बीमारी होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर पीलिया में कई तरह के इलाज का सुझाव देते हैं। जैसा जैसा उनको लक्षण दिखते हैं उस हिसाब से वो उसमें इलाज की एडवाइज करते हैं या इलाज के बारे में सुझाव देते हैं। तो सबसे पहले देखिए कुछ उसमें मेडिसिन चलती है, किसी किसी को सर्जरी चलती है और किसी में कुछ और तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं पीलिया में। लेकिन इसके साथ साथ में आपको करना चाहिए कि अपने खान पान में बदलाव लाना चाहिए, अपने जीवन शैली की रहन सहन जीवन शैली को आपको चेंज करना चाहिए या उसमें बदलाव लाना चाहिए। पीलिया एक अपने आप से ठीक होने वाला रोग है, लेकिन इसके साथ साथ में डॉक्टर इसके लक्षण और कारणों का इलाज करते हैं, जो कि उसके साथ साथ में आपको कुछ अपने भी बर्ताव करने चाहिए, अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि खास करके हमें स्वस्थ भोजन लेना चाहिए, मतलब अच्छे तरह से खाना खाना चाहिए, हरे साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए और हमें व्यायाम करना चाहिए। रोज सुबह में हमें 10 से 5 मिनट सुबह का धूप लेना चाहिए और आराम करना चाहिए। इसके साथ साथ में आपका खाद्य तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, उच्च प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए, ताजे फल और ताजे सब्जियां का सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको दूध और पानी उबाल के पीना चाहिए। खुले हुए सामानों का खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि खास करके मार्केट में खुले हुए सामान जैसे कि मिठाइयाँ हुई, कुछ चाट समोसे हुई, ये सब खुली हुई चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए जिससे कि वो आपके लीवर पे अटैक करें। तो इतनी तो सावधानियाँ करनी अब क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए आपको इसमें धूम्रपान निषेध है, मतलब इसमें सिगरेट नहीं लेना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, एल्कोहल की मात्रा नहीं लेनी चाहिए आपको। और इसके साथ साथ में आपको तेल मसाले वाली चीज़ें आपको अवॉइड करना है या उसको मना करना, उसको खाने से बचना चाहिए आपको, मार्केट की चीज़ें खाने से बचना चाहिए। और गंदे सड़े हुए कटे हुए फल आपको नहीं खाने चाहिए और रेगुलर आपको अपने वजन पर ध्यान देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।